पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने जन आक्रोश रथ यात्रा निकाली। साथ ही परासिया में एक सभा को संबोधित किया। हजारों की संख्या में सभा में लोग एकत्रित हुए। यह यात्रा परासिया से होती हुई छिंदवाड़ा की ओर प्रस्थान की। साथ ही सभा में कमलनाथ ने संबोधित किया कि मेरी राजनीति की शुरुआत परासिया से हुई थी। सभा में कमलनाथ ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और खदानों को लेकर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पीयूष गोयल भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने खदानें बंद नहीं होने की बात की। परासिया कोलाचंद क्षेत्र में निरंतर खदानें बंद हो रही हैं, जिसको लेकर कमलनाथ ने कहा कि यदि पूर्व में हमारी सरकार बनती है तो यहाँ खदानें बंद होंगी। साथ ही ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में बाहर के लोग आकर निवेश करना ही नहीं चाहते, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। छिंदवाड़ा से आकाश मंद्रा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके कान बंद है, उनकी आंखें बंद है, उनको सच्चाई समझाइएगा, बोलिएगा सच्चाई का साथ देना, तभी तो अपना मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। सच्चाई का साथ देने का ये चुनाव, और ज्यादा ना कहते हुए, मेरा तो गला खराब है, जुकाम है, बुखार है, कल मुझे पाटन में मेरा यहाँ आकर पुराना समय भी याद आता है, नए चेहरे भी दिखाई पड़ते हैं। ये एक हमारी सफलता है। मुझे ज्यादा नहीं कहना कि परासिया क्या था। समस्ती में 44 साल होने जा रहे हैं, यहां कोई पैसेंजर गाड़ी लोगों ने देखी नहीं थी, केवल मालगाड़ी देखी। यहां कितनी सड़कें थी पूरी परासिया ब्लॉक में। आज धीरे धीरे हम आगे बढ़े, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है, ये हमें याद करना है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों का भविष्य, यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे छिंदवाड़ा जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। हमारी माता और बहनों ने कितने प्यार से पाला पोसा है अपने बच्चों को, और आज भटक रहे थे। ये सबसे बड़ी चुनौती पूरे प्रदेश के 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे, और शिवराज सिंह जी हर 10-11 महीने कहते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो नहीं कहता हूं, शिवराज जी आप जो रिक्त पद हैं उनको ही भर दीजिए, 1 लाख की चिंता मत करिए। जो आप घोषणाएं करते हैं, अभी आप देख रहे हैं पिछले 5 महीनों में क्योंकि चुनाव पास में है, शिवराज जी की घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, डबल स्पीड पर। इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। और शिवराज सिंह जी तो ऐसे हैं कि झूठ को भी शर्मा देते हैं। शिवराज सिंह जी आज जगह जगह घूम रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, कुछ जानते हैं कि 3 महीने के मेहमान हैं, तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो। चुनाव आते हैं, हर चुनाव का अपना मायने होता है। 3 महीने में, 2 महीने में जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं, ये केवल एक पार्टी का नहीं, ये हमारे छिंदवाड़ा जिले के भविष्य का और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। आपको ये याद रखना है, ये सबसे मुख्य बात है। हम किस पटरी पर ले जाना चाहते हैं अपने प्रदेश को। भ्रष्टाचार की आज कोई सीमा नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार में नंबर 1। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, आप भी, या तो भ्रष्टाचार के गवाह हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हैं। ये आज स्थिति है। ऐसा भ्रष्टाचार कौन आएगा मध्य प्रदेश में? किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा? ये आज जब मैं कहता हूं कि आप मध्य प्रदेश आइए, हमारे परासिया में, हमारे छिंदवाड़ा में आप उद्योग लगाइए, कहते इतना भ्रष्ट प्रदेश, जहां दरवाजे से ही हमें पैसे मांगे जाते। निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास।